सोलन पुलिस ने चिट्टे की तस्करी में एक और विदेशी मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये इस माह में पुलिस द्वारा पकड़ा गया दूसरा विदेशी तस्कर है। इस नशे के सौदागर को पुलिस ने दिल्ली की द्वारका से गिरफ्तार किया है। बीते दिनों धर्मपुर पुलिस द्वारा नाके के दौरान अर्की के युवक से 13.95 ग्राम चिट्टे की खेप सहित गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है। सोलन पुलिस ने चिट्टे की तस्करी में एक और विदेशी मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये इस माह में पुलिस द्वारा पकड़ा गया दूसरा विदेशी तस्कर है। इस नशे के सौदागर को पुलिस ने दिल्ली की द्वारका से गिरफ्तार किया है। बीते दिनों धर्मपुर पुलिस द्वारा नाके के दौरान अर्की के युवक से 13.95 ग्राम चिट्टे की खेप सहित गिरफ्तार किया गया था, जिससे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 29 वर्षीय इनोसेंट ओलू चिकबू, जो नाइजीरिया से है, उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इससे पहले 35 वर्षीय स्टीफेन चिंडुबेम अली नाइजीरिया को गिरफ्तार किया गया था। मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक सोलन मधुसूदन शर्मा ने कहा कि सोलन पुलिस करीब एक वर्ष में अब तक 10 विदेशी मूल के नागरिकों को गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सोलन पुलिस को नशे के खिलाफ चलाया गया अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक टोटल 10 विदेशी मूल के व्यक्ति जो हैं, वो चिट्टा या मादक पदार्थों के अधिनियम के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया है और हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। इस साल अब तक 63 मुकदमे नशे के संदर्भ में दर्ज किए जा चुके हैं और हम नशे के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखेंगे। मेरा सोलन की जनता से ये अनुरोध है कि वो हमें सूचना देते रहें और हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।